इस पर्ल फ्लावर ट्री को बनाने के लिए हमें चाहिए ये 12 mm के पर्ल्स, वाइट पर्ल्स, उसके बाद ये 8 mm के पर्ल्स, और हमें चाहिए ये 14 to 18 mm के ये वाइट पर्ल फ्लावर्स। और चाहिए ये वायर, ब्रास वायर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए एक लंबी वायर लेंगे, यू, और उसमें एक ये फ्लावर को डालेंगे, उसके बाद एक ये छोटे पर्ल को डालेंगे, ये देखिए ऐसे एक ये पर्ल फ्लावर, फिर ऊपर ये पर्ल डालेंगे, और इसको इसमें से यूं वापस ले जाएंगे इस तरह से। अब इसमें यूं नीचे एक पर्ल ऐड करेंगे, और इस वायर को ऐसे रोल करते जाएंगे। अब इस वायर में एक ये बिग पर्ल लेंगे, और इतना डिस्टेंस छोड़ के इसको भी यूं साइड से रोल करते जाएंगे। ऐसे हम कई ब्रांचेस बना लेंगे। ये इस तरह से बन गया फ्लावर एक। अब इसको फिर नेक्स्ट फिर वायर को लेंगे, अब इसमें एक नीचे वाइट पर्ल डालेंगे, उसके ऊपर ये वाइट पर्ल फ्लावर डालेंगे, और एक और पर्ल लेंगे, इसको वापस इसमें से पास करेंगे। तो ये देखिए अब इसको यहाँ से रोल करते जाएंगे। फिर बिग पर्ल लेंगे, और यूं रोल करेंगे।
तो इस तरह से ये वायर के साथ हम ये फ्लावर्स और पर्ल्स को ये रोल करके बनाते चले जाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने ये इस टाइप से फ्लावर और पर्ल से यूं ब्रांचेस बना ली हैं। हमें जितना इसको ट्री को ज़्यादा घना बनाना है उसी हिसाब से हम इस पे ब्रांचेस को ऐड करेंगे। तो ये देखिए ऐसे हम काफ़ी सारी ब्रांचेस को बना लेंगे। तो अब इन सारी जो मैंने ब्रांचेस बनाई हैं ट्री के लिए इनको हम इकट्ठा जोड़ देंगे। तो इसके लिए हमें कोई वुडन चीज़ चाहिए, चाहे वो कोई पेंसिल हो या फिर कोई स्टिक हो सकती है। तो उसको लेंगे और ये वायर्स को लेंगे और इसको यूं अच्छे से रैप करते जाएंगे। यूं सफाई से तो इसके बाद हम इसको किसी पॉट या किसी भी जिसमें हम लगाना चाहें उसमें लगा लेंगे। तो ये देखिए ये पर्ल फ्लावर ट्री बनके रेडी हो गया है।